हे गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन की एक और नई वीडियो में। गाइस, वीडियो का आज पार्ट टू आ चुका है। आप सही समझ रहे हो, ऐश की गर्लफ्रेंड कौन है, इसका पार्ट टू आ गया। क्योंकि यार गाइस, जो पार्ट वन है ना यार, उस पर आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, एंड वो मेरी चैनल की यार मतलब सबसे अच्छी, एंड आपका उस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो यार मैं खुद को रोक नहीं पहन गाइस, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ कि ऐश की गर्लफ्रेंड कौन है। तो यार गाइस देखो, फर्स्ट पार्ट पे यार आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया ना गाइस, मैं क्या बोलूँ यार, मैं बहुत ही खुश हूँ यार। मतलब कि ना मैं उस पर मूवी बना सकता हूँ कि ऐश की गर्लफ्रेंड कौन है। तो यार गाइज थैंक यू एंड बहुत ज़्यादा ही थैंक यू। एंड गाइज, इस वीडियो में भी आप उतना ही प्यार दिखा रहे हैं जितना पिछली वीडियो पे दिखाया। तो यार गाइज, इस वीडियो में कुछ नवी पोकी गर्ल्स मैंने ऐड की है, एंड दो दो गर्ल्स के बीच में मतलब हम करेंगे कि कौन सी ऐश की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो यार गाइज, वीडियो को बिना देरी किए एंड शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हे गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यार गाइस, आपने अगर इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा ना, तो गाइस जल्दी जाके देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि यार पार्ट टू आ चुका है आपका प्यार देख के यार गाइस। तो यार फर्स्ट पार्ट को जिस भाइयों ने नहीं देखा ना, एंड सेकंड पे आगे डायरेक्ट, तो यार जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, फिर सेकंड पार्ट आप इंजॉय करना। एंड गाइस, दोनों पार्ट को दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि आपके दोस्तों को भी आइडिया हो जाए कि ऐश की गर्लफ्रेंड कौन है। तो यार गाइस, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी पांचवी पोकी गर्ल से, जो कि है लिली। एंड आप लोग सोच रहे होंगे यार कि लिली कौन है एंड क्या बता रहा है। तो यार गाइस, लिली है पोकेमोन जनरेशन 7 सन एंड मून, जो कि इंडिया में नहीं आया, फ्यूचर में आएगा। तो यार जो लिली है ना, वो ऐश की ज़्यादातर मतलब कम चांसेस, इसलिए मैंने इसे 5 नंबर पर रखा है। तो यार लिली को मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यार लिली सूर्य में पोकेमोन सन एंड मून की स्टार्टिंग में भी दिखाई जाती है, एंड लिली की मतलब अपनी हिम्मत वगैरह, पोकेमोन मास्टर ट्रेनर बनना चाहती है, बट वो अपनी हिम्मत हार जाती है एंड सोचती है कि मैं पोकेमोन ट्रेनर नहीं बन सकती, एंड वो सब कुछ छोड़ने का आइडिया ले लेती है। बट यार जो हमारा ऐश है, वो पहुंच जाता है वहाँ पे, एंड वो लिली को सपोर्ट करता है, लिली को समझाता है, एंड लिली के साथ हर वक्त खड़ा रहता है, जिसके कारण लिली एक अच्छी पोकेमोन ट्रेनर बन जाती है। तो यार लिली जो है ना, वो ऐश की तरफ काफ़ी आकर्षित होती है, एंड ऐश की तरफ मतलब उसको प्यार हो जाता है, समझ जाओ। तो यार देखो, जो ऐश है वो मतलब नहीं होता उसकी तरफ आकर्षित जल्दी, किसी की तरफ नहीं होता। एंड ऐश ने तो यार पोकेमोन मतलब पोकी गर्ल्स की ना लाइन, अपनी गर्लफ्रेंड्स की लाइन बना रखी है। अगर जो मैं इस वीडियो में बताने लगी ना, तो वीडियो खत्म नहीं होगी। तो यार गाइज, लिली का आपको आइडिया लग गया होगा कि लिली हो सकती है, एंड इसे मैंने 5 नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो यार गाइस, बढ़ते अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि इसमें दो पोकी गर्ल्स रखी है मैंने, जो कि आपको पार्ट वन में भी मैंने बताई है, मे एंड डोन। तो यार मे को भी ऐश ने ऐसे ही सेम लिली वाला सिस्टम था, एंड मे को भी ऐश ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड मतलब यार देखो, मे भी एक पोकेमोन मास्टर, पोकेमोन परफॉर्मर बनना चाहती थी, बट वो नहीं बन पाई, एंड ऐश ने उसको बहुत सपोर्ट किया एंड हर घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा, जिसके कारण मे मतलब बन गई। एंड मे को ना मतलब पोकेमोन कई एपिसोड्स में, पोकेमोन सीरीज के एपिसोड में दिखाया गया है कि मे ऐश की तरफ आकर्षित हो रही है। आप समझ जाओ, गाल लाल हो जाते हैं। तो यार मतलब ना कई सीन्स में दिखाया है, बट यार मुझे ना मे का नहीं, डोन का चांस लगता है। डोन के बारे में आपको बता दूँ कि यार जो डोन है ना, डोनी अपनी, उसने यार मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, बट एनिमी है छोड़ो। तो यार जो डोन है ना, डोनी अपनी, तो यार इसके चांसेस है। देखो यार, इसको ऐश ने मतलब, ये ऐश के साथ खड़ी हुई है हर घड़ी में, मतलब पोकेमोन बैटल हो, पोकेमोन का कोई भी सीन हो, डोन उसके साथ खड़ी हुई है। तो यार मतलब ना, डोन भी काफ़ी आकर्षित हुई है, हमारा ऐश भी थोड़ा बहुत आकर्षित हुआ है, आपने अगर जो इसको एनिमी में देखा होगा तो। तो यार गाइस, हमारे जो फोर्थ पॉइंट की विनर होती है ना, वो डोन होती है। एंड आपको कौन सी लगती है मे एंड डोन में से, गाइस मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना यार, कमेंट फ्री आप बता सकते हो। तो यार डोन का ज़्यादा चांस लगता है, तो छोड़ो इस पार्ट को मतलब इस पॉइंट को, एंड बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिस पे मैंने यार एक पोकी गर्ल को रखा है, जो कि उसको रखना बनता है, एंड वो है जेसी। तो यार अब आप लोगों को लग रहा होगा यार, टीम रॉकेट की मतलब मेंबर जेसी को क्यों रख दिया, जेसी तो जेम्स के साथ है। तो यार ये भी हो सकती है, पोकी गर्ल है इसलिए मैंने रख दिया इसे यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यार देखो, जो जेसी है उसके लड़ाई भी होती है ऐश के साथ, एंड यार इनका कहीं से भी, क्योंकि ऐश उसे बहुत नफरत करता है जेसी से, तो यार इनका कोई चांस नहीं है, ये ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। तो यार इसे छोड़ो, एंड बढ़ते अपने सेकंड की तरफ, जो जिसको मैंने यार रखा है, एंड आप भी उसे जानते हो, मिस्टी। एंड इसको सेकंड पे रखने की गाइज मेरी एक ही वजह है, एंड वो आपको पता है,
यार मैं आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो जो मिस्टी है एंड उसको पोकेमोन एनिमे में दिखाया गया एंड वो पोकेमोन एनिमे की फर्स्ट पोकी गर्ल है। तो यार एक तरफ से ना इन्हें पोकेमोन एनिमे वालों को ना मिस्टी को ऐश की गर्लफ्रेंड बना देना चाहिए था फ्यूचर में, क्योंकि यार देखो मिस्टी ने ऐश का मतलब बहुत ज़्यादा जर्नी में आई है, सन एंड मून में भी है शायद, मैंने पिक्चर्स देखे आप भी देखो। तो यार देखो मतलब ना मिस्टी हो सकती है, बट मैंने इसको सेकंड पे रखा क्योंकि जो फर्स्ट पे है ना वही हो सकती है ऐश की गर्लफ्रेंड। तो यार देखो जो फर्स्ट पे है मतलब जो सेकंड पे मिस्टी के बारे में बात हो रही है, तो यार मिस्टी का मैंने इसलिए कम रखा क्योंकि यार देखो पोकेमोन एनिमे में ना मिस्टी को मतलब प्यार का मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, बट लड़ाई भी इनकी बहुत होती है। आपने सुना होगा लड़ाई से प्यार बढ़ता है यार, तो गाइस देखो आप भी लड़ाई करो अपनी गर्लफ्रेंड से, तो यार ऐसा नहीं है। तो यार देखो तो यार जो मिस्टी है ना वो मतलब कि ऐश से बहुत ज़्यादा प्यार कर मतलब प्यार नहीं यार इनको दिखाया गया एनिमे में, एंड जो मिस्टी का मतलब ना प्यार कर रिश्ता हुआ पोकेमोन एवोल्व ने ना आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि इन्हें बेस्ट फ्रेंड तक ही सीमित रख दिया। क्योंकि यार आपने पोकेमोन एनिमे में देखा होगा इन्हें कोई मतलब कोई भी ऐसा सीन नहीं है मतलब ज़्यादा ऐसा सीन कि जिसमें इन्हें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने की ज़रूरत है। तो यार मिस्टी का ना बहुत ही मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट यार सेकंड पे है, ये कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता मिस्टी बन जाए। तो यार देखो मिस्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एंड मिस्टी का यार मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए मैंने मिस्टी को सेकंड नंबर पे रखा है। एंड मिस्टी देखो यार अब जो फर्स्ट है ना अपना मिस्टी को छोड़ा जो फर्स्ट पे आता है सेरिना, तो यार सेरिना को बहुत लोग जानते हैं, सेरिना के काफ़ी फैन फॉलोइंग है, बट मिस्टी से कम है यार। तो सेरिना फैंस गुस्सा मत होना, मिस्टी फैंस भी गुस्सा मत होना, क्योंकि यार ये सिर्फ थ्योरी है गाइस, एंड मिस्टी एंड सेरिना ही हो सकती है, बाकी जो मैंने बताई है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में उनका कम चांस है, एक डोनी हो सकती है जो अपनी अच्छी लड़की है। तो यार देखो जो अपनी फर्स्ट पे सेरिना वो पोकेमोन एनिमे में ऐश के साथ शुरू से बचपन से ही है। तो यार देखो आपने देखा होगा पोकेमोन एक्स वाई में कि सेरिना एंड ऐश प्रोफेसर ओक के एक लैब में जाते हैं, एंड सेरिना गिर जाती है चोट लग जाती है, तो ऐश उसकी हेल्प करता है एंड बोलता है कहीं मत हारना जब तक सब खत्म ना हो जाए। तो यार देखो उतना मेरे को याद नहीं, तो यार देखो जो सेरिना है वो हो सकती है ऐश की गर्लफ्रेंड, क्योंकि यार सेरिना ने काफ़ी ज़्यादा ऐश के सामने शर्माती है एंड गाल लाल हो जाते हो, तो आप समझ जाओ एनिमे का यही इशारा होता है। तो यार देखो सेरिना हो सकती है ऐश की गर्लफ्रेंड, बिकॉज गाइज यार वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, मतलब कि यार वो ऐश को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ऐश को हर टाइम सपोर्ट करती है। एंड पोकेमोन एक्स वाई जेड के सीजन मतलब 18 के एंड में सेरिना ऐश को किश करती है यार, तो ऐश को किस करने के बाद वो चली जाती है एंड ऐश उसे शर्मा के मतलब ऐश भी शर्मा जाता है एंड स्माइल कर देता है। तो यार आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ऐश मतलब सेरिना को पसंद करता है, हल्का आइडिया तो हो ही जाएगा कि ऐश सेरिना को पसंद करता है। वो पोकेमोन जो सीजन 17 है ना पोकेमोन एक्स वाई उसमें नहीं दिखाया गया क्योंकि ऐश उसको ना मतलब समझ ही नहीं पाता उसके प्यार को, बट यार गाइस सीजन 18 में सब कुछ उल्टा हो गया है, क्योंकि यार जो ऐश है वो थोड़ा समझ जाता है किसके बाद, किसके बाद तो सारे बंदे बौखला जाते हैं। तो यार गाइस आपको क्या लगता है सेरिना एंड मिस्टी में से कौन हो सकती है? यार दोनों के फैंस ज़्यादा है, तो यार गाइस गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं यार, वीडियो को लाइक मत करना, मैं सिर्फ इन दोनों को बता रहा हूँ, ये दोनों हो सकती हैं, इनको और भी हो सकती है मिस्टीरियस गर्ल जो फ्यूचर में आ जाए, कुछ भी हो सकता है गाइज। एंड आपको क्या लगता है इन पांचों में से आपको कौन सी पोकी गर्ल ऐश की गर्लफ्रेंड लगती है, प्लीज़ कमेंट मेरे को करके बता देना गाइज। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड गाइज इस वीडियो का थर्ड पार्ट बनाना चाहिए कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड अगर जो आपका प्यार इस पर ज़्यादा आया गाइज तो मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा, एंड थर्ड पार्ट में ये जितनी भी पोकी गर्ल्स हैं ये नहीं रहेंगी, एंड न्यू पोकी गर्ल्स को मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज इस पर वीडियो में प्यार दिखाओ, एंड गाइज मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट जरूर से लाऊंगा जो कि YouTube पे आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो यार गाइज वीडियो को बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, तो गाइज वीडियो को पूरा सपोर्ट करना यार गाइज, क्योंकि यार मैंने आपके सपोर्ट को देख के सेकंड पार्ट बनाया है। तो गाइज ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार इसमें पोकेमोन की अपडेट एंड पोकेमोन की थ्योरी दोनों ही मिलती है, तो यार दोनों मजा एक ही चैनल पे। तो यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, एंड वीडियो को दोनों पार्ट को शेयर करना गाइज, भूलना मत, दोनों पार्ट को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आपको इतना करना है, एंड आपका भाई आपका इंटरटेनमेंट करता रहेगा। तो गाइज मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और एक और बात यार, पोकेमोन फैंस की जय हो, एंड आपकी भाभी जल्दी मिल जाए गाइज। तो यार मैं होप करूँगा कि ऐश की गर्लफ्रेंड जल्दी मिल जाए, कब तक को आ रहा रहेगा वो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।